एक टाइम था जब वन प्लस फ्लैगशिप किलर कहलाता था, और अगर किसी को भी 20 से 30,000 रुपए का फोन लेना होता था तो वन प्लस बेस्ट ऑप्शन होता था, क्योंकि वो कम प्राइस में प्रीमियम और फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन देता था। 2018 के क्वार्टर फोर में वन प्लस ने इवन एप्पल और सैमसंग को पीछे छोड़ दिया था ग्लोबल शिपिंग के मामले में। लेकिन रिसेंट कुछ गलतियां ने वन प्लस के ब्रांड इमेज पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। ऑक्सीजन ओएस से कलर ओएस पर शिफ्ट होना, ग्रीन लाइन इश्यूज आना, मेरे सर्कल में अराउंड 10 में से 3 से 4 फोन में ग्रीन लाइन इशू आ चुके। कलर ओएस के बाद काफी सारे लोगों ने वन प्लस के बैटरी ड्रेन के इश्यूज भी रिपोर्ट किए, और लोगों ने इवन वीडियोस बनाए हैं वन प्लस के बैटरी इशू को फिक्स करने के लिए। हाँ, ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी हैं। इन सब दिक्कतों के ऊपर वन प्लस के सीईओ कार्ल पे ने भी छोड़ दिया उनका साथ। ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि किसी को वन प्लस रिकमेंड करने से पहले मैं खुद 100 बार सोचने लगा था। और अब फाइनली वन प्लस 12 आ चुका है, लेकिन क्या वो इतना कैपेबल है कि वन प्लस की ब्रांड इमेज को रिवाइव कर पाए? इसके पहले हम सीधा ब्रांड इमेज पर जाए, हमें वन प्लस की कहानी को अच्छे से समझना पड़ेगा। वन प्लस कैसे शुरू हुआ था, उनकी ब्रांड इमेज भी क्या थी, और दिक्कतें क्या आई, और कैसे इसका सलूशन आ सकता है। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। Look at how stunning the OnePlus 9 Pro is. Our wireless charging is even faster than a lot of wire charging. Welcome to a very, very special OnePlus global launch event. 2013 में OnePlus एज एन इंडिविजुअल ब्रांड इंट्रोड्यूस हुआ था बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जिन जिन लोगों को बीबी के नहीं पता, ये बेसिकली एक पेरेंट कंपनी है जिसके अंदर वीवो, ओप्पो, रियलमी और OnePlus आते हैं। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसने 2022 में 40% ऑफ मार्केट शेयर एक्वायर कर रखा है। OnePlus का सबसे पहले स्मार्टफोन ने तहलका ही मचा दिया। बहुत ही कम प्राइस में उसमें प्रीमियम लेवल स्पेक्स थे, जहां सैमसंग और शाओमी प्रोसेसर को अंडरक्लॉक कर रहे थे और कम प्रोसेसर दे रहे थे। OnePlus ने 2 की जगह 3 GB रैम लाया और फुल पोटेंशियल पर उसे यूज किया, और इसके साथ साथ स्लाइटली बेटर बैटरी भी। और ये स्टार्ट एज अ फ्लैगशिप किलर हुआ था। अगर आप एक टेक एंथुसियास्ट हो तो आप सबको पता होगा OnePlus की हाइप एक कम्युनिटी ड्रिवन ब्रांड थी, मतलब लोगों के फीडबैक्स लेके ये फटाफट अपने फोन में चेंजेस करते थे और उस हिसाब से फोन बनाते थे, और इसी से इनकी ब्रांड इमेज बहुत ही ज्यादा सही थी। लेकिन अचानक से ऐसे लगातार इश्यूज क्या आने लगे, और फिर लोगों ने OnePlus पर ट्रस्ट करना क्यों कम कर दिया? पहले तो आप लाइन से OnePlus 1 से लेके OnePlus 8 देखो, डिफरेंस दिखा? OnePlus 1 21,999 पर आया था और OnePlus 8 39,999। इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस। इस सेगमेंट में OnePlus ने स्टार्ट किया था, OnePlus ने उसी सेगमेंट को छोड़ के प्रीमियम साइड में जाने का सोचा। हाँ, मेरे को पता है आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार परचेसिंग पावर भी लोगों की बढ़ गई होगी और लोग OnePlus को ट्रस्ट भी करने लग गए थे, तो ज्यादा पैसे तो बनते ही है। लेकिन देखो, OnePlus जिस सेगमेंट का किंग था उसने वही सेगमेंट छोड़ के नए सेगमेंट में जाने का सोचा, और जैसे ही वो सेगमेंट खाली हो गई वहां पर बहुत सारे ब्रांड्स आ गए, जैसे कि Xiaomi, Realme, और उसमें से काफी सारे लोगों को वो एज अ बेटर डील लगी। और जो मार्केट में OnePlus जा रहा था वहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स थे जैसे कि Samsung और Apple, जिनकी ब्रांड इमेज काफी ज्यादा सही थी। चलो मैं आपको ये पूछता हूं, अगर मैं आपको चॉइस दूं OnePlus वर्सेस Samsung या Apple, में से काफी सारे लोग Samsung या Apple ही चूज करोगे, क्योंकि हम ऑलरेडी Apple और Samsung को ट्रस्ट और रिलायबिलिटी के लिए ही जानते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा इशू OnePlus ने फेस किया था, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग देयर एक्सक्यूज। पहले जब OnePlus हर साल में सिर्फ एक ही फोन लाता था, OnePlus ने अब R सीरीज, T सीरीज और Pro सीरीज लॉन्च किया, और इसी वजह से जब भी कोई OnePlus का फोन लेता था और 4 से 5 महीने बाद कुछ नया फोन आ जाता था, तो काफी सारे यूजर्स को लगने लगा मेरा फोन तो ऑलरेडी पुराना हो गया, और इसी वजह से काफी सारे लोगों ने अपना बाइंग डिसीजन चेंज किया। ये सब चीजों के बाद OnePlus को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती समझ में आने लगी, और इसीलिए उन्होंने Nord सीरीज लॉन्च करने का सोचा, उस प्राइस सेगमेंट में जिसमें वो किंग कहलाता था। आप में से काफी सारे लोगों को ये देखने के बाद यही फील हो रहा होगा, यहाँ आके तो OnePlus जीत ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेफिनेटली Nord भी एक बहुत अच्छा फोन था, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली दिल से बोलूं तो उसमें वो OnePlus वाली बात नहीं थी। अब OnePlus ने इतने सारे फोन तो लॉन्च कर दिए थे, तो सप्लाई पहुंचवाना लोगों तक एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, और इन सब के बीच कोरोना वायरस आ गया। China has identified the cause of the mysterious new virus. आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has. और ग्लोबल पैंडेमिक के चलते हुए और चाइना बीइंग द एपिसेंटर, OnePlus had to face a lot of issues. और इसी वजह से फोन चाइना में पहले लॉन्च हो जाते हैं और इंडिया में आते आते काफी टाइम लग जाता है।
उसी के कारण क्रेज इंडिया में बहुत कम हो जाता था। कंपनी में लगातार ऐसे क्राइसिस होते जा रहे थे एंड यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लीडर एज अ फोरफ्रंट चले और पूरी टीम को गाइड करे, लेकिन उसी वक्त OnePlus की CEO काल पे स्टेप्ड डाउन। और जैसे ये न्यूज लोगों तक पहुंची तो डेफिनेटली ब्रांड इमेज पर एक इशू आता ही है। आप भी एक बार सोच के देखो, जो बंदा कंपनी में स्टार्ट से जीरो से है वो उसको इतने बड़े मुकाम पर लेके आ जाए एंड अचानक से ही स्टेप्स डाउन, तो डेफिनेटली ब्रांड इमेज पर एक बड़ा इशू आता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हो और इसके बाद OnePlus की USP चले जाए तो कैसा होगा। OnePlus एज अ ब्रांड ने अपनी USP बनाई थी, वो था सॉफ्टवेयर। इनिशियली OnePlus का एंड्रॉइड स्किन साइनोजन मोड था, जो कि OnePlus ने कुछ थर्ड पार्टी डेवलपर्स के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद साइनोजन और OnePlus का विजन मैच करने नहीं लगा तो दोनों ने अपने अपने रास्ते नाप लिए और OnePlus ने बनाया ऑक्सीजन OS। अगर मैं सच बताऊं तो वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड स्किन अवेलेबल थी मार्केट में, क्योंकि उसमें क्लीन और स्टॉक एक्सपीरियंस मिलता था। इसके साथ साथ कुछ कस्टमाइजेशंस भी होते थे और ये सारी चीजें विदाउट एड्स एंड ब्लोटवेयर, तो ऐसा एक्सपीरियंस कौन ही छोड़ना चाहेगा। OnePlus के पास लॉयल कस्टमर बेस होने के बाद भी उनका कैमरा अप टू द मार्क नहीं होता था। ऑब्वियसली सैमसंग और एप्पल ने काफी ज्यादा पैसे खर्चे किए अपने कैमरा को इतना अच्छा और रिलायबल बनाने के लिए, लेकिन अगर आप देखोगे तो OnePlus की सेम चीज वाले फोन में भी कैमरा में काफी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते थे। ऐसा नहीं कि OnePlus का कैमरा बहुत ही बुरा था, लेकिन एप्पल और सैमसंग के स्टैंडर्ड्स के लिए थोड़ा बेटर हो सकता था और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए OnePlus had to improve its camera। लेकिन ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रैक्सेस में इतना खर्चा कर रहे थे कि उनको दूसरे चीजों पे पैसे स्पेंड करना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो फाइनली 16 जून 2021 OnePlus decided to collaborate with Oppo। इन सब का मेन रीजन था कि वो Oppo के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोलैबोरेट कर पाए ताकि वो कैमरा पर ध्यान दे सके। इस पार्टनरशिप का मतलब ये भी था कि Oppo एज अ पेरेंट कंपनी काम करेगा और उसके अंडर आएगा OnePlus। ये सब देखने के बाद बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया OnePlus पर, क्योंकि लोग तो नाखुश थे ही पार्टनरशिप के बाद, लेकिन OnePlus भी धीरे धीरे करके Oppo की तरह दिखने लगा। उनका UI Oppo की तरह हो गया, उनका फोन का एक्सपीरियंस Oppo की तरह दिखने लगा। ऑक्सीजन OS टू कलर OS वाला चेंज तो सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आई। पॉप चार्जिंग टू Oppo का चार्जर आने लगा बॉक्स में, और ये सब चीजों को लोगों ने एक अच्छे वे में नहीं लिया। ये इश्यूज के बाद धीरे धीरे करके OnePlus आगे बढ़ ही रहा था। रिसेंटली OnePlus पर ग्रीन लाइन इश्यूज आने लगे और ये इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए कि लिटरली ट्विटर पर हर जगह सिर्फ ग्रीन लाइन ही ग्रीन लाइन इश्यूज थे। और इसमें OnePlus अकेला नहीं था, इवन एप्पल फोन्स में आए, लेकिन ये इश्यूज OnePlus में इतना ज्यादा कॉमन थे 10 में से 3-4 फोन में ग्रीन लाइन इशू आ ही रहा था। किसी को अपडेट करने पर आ रहा है तो किसी को फोन चार्ज करने पर आ रहा है, और इसमें OnePlus ने स्टार्ट में तो बहुत हेल्दी वे में लिया और उन्होंने ये इश्यूज को एक्सेप्ट भी किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ कुछ ही यूजर्स के लिए। जिनका फोन वारंटी में था उनको लाइफ टाइम वारंटी मिली और एक स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिला, लेकिन जिनकी फोन वारंटी में नहीं थी उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाया। और हम जब भी फोन लेते तो हम 3-4 साल मिनिमम सोच के लेते, और अगर 2 या 3 साल वाले फोन में ग्रीन लाइन इशू आ जाए और उसका सलूशन नहीं मिल पाए, डेफिनेटली लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और ये सारे दिक्कतों के बाद भी आप जब फोन रिप्लेस करवाते हो या फोन चेंज करवाते हो तो आपको पैसे नहीं, आपको एक OnePlus का कूपन मिलता है जिससे आप सिर्फ OnePlus का ही फोन ले सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपको लग रहा होगा कि यार OnePlus कितनी बड़ी कंपनी थी, 2018 में उसने एप्पल और सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया, तो उनके पास तो इतने पैसे होने ही चाहिए थे कि वो अपने कैमरा को इम्प्रूव कर पाए और R&D में पैसे इन्वेस्ट कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, मुझे आपको OnePlus बहुत पसंद है, लेकिन बहुत कंट्रीज में लोगों ने OnePlus का नाम तक नहीं सुना है। आपको लग रहा होगा मैं क्या फालतू बात कर रहा हूँ, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग काउंटर पॉइंट और स्टैटिस्टा में तो अदर्स में आता है OnePlus, मतलब एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी के बाद अदर्स में OnePlus का नाम है, और एक स्पेसिफिक नाम दिया भी नहीं जाता है। और इतना ही नहीं, स्टैट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग OnePlus इतना नीचे आता है फोन के मार्केट शेयर में रियलमी के भी नीचे। अभी आपको समझ रहा होगा कि OnePlus के लिए Oppo के साथ मर्जर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये मर्जर वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था, उन्होंने डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी किया। हैसल ब्रांड जैसे कैमरा कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके नेक्स्ट लेवल कैमरास भी बनाए। ये मर्जर से डेफिनेटली कैमरा डिपार्टमेंट में फायदा हुआ, लेकिन जो तरीके से लोगों तक कम्युनिकेट हुआ वो इतना सही नहीं था। अगर वो बेटर वे में होता तो शायद ब्रांड इमेज पर उतना हिट नहीं करता। तो बीइंग एट द ब्रांडेड OnePlus के लिए डेफिनेटली मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट था, और उतने इंपॉर्टेंट है उनके प्रॉफिट्स। और रिसेंटली OnePlus ने अपना OnePlus 12 लॉन्च किया और उसके ऑन पेपर स्पेक्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो मुझे मौका मिला था उसे यूज करने का। तो चलो एक्सपीरियंस पर आते हैं। कैमरा की बात करें तो आउटडोर्स में डायनामिक रेंज बहुत अच्छी थी और डिटेल्स भी काफी ज्यादा सही निकल के आए।
हमने बहुत अलग अलग तरीके से कैमरा को यूज करने की कोशिश की और डेफिनेटली हर सेगमेंट में डिटेल्स अच्छी आ रही है। नाइट में भी फोटोज काफी ज्यादा अच्छे, बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा आर्टिफिशियल है लेकिन एज डिटेक्शन ऑन। चाइनीज वेरिएंट होने की वजह से स्किन टोन्स में मुझे पर्सनली थोड़ी दिक्कत लेके आई, लेकिन जब इंडिया में लॉन्च होगा तो मोस्ट लाइकली ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसके बाद स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर है, इसने कोई भी दिक्कत नहीं दी, BGMI मैक्स सेटिंग्स पर चला विदाउट एनी इश्यूज, गेंशन इंपैक्ट में भी नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। लेकिन मेन सवाल आता है कि क्या ये इनफ है OnePlus के ब्रांड इमेज को फिर से रिवाइव करने के लिए, और अगर एकदम सिंपल आंसर दूं तो नहीं। लेकिन क्या ये ब्रांड एंड है, वो भी डेफिनेटली नहीं। सैमसंग के साथ भी ऐसा सिमिलर चीज हो चुका है, जब सैमसंग ने अपना नोट 7 लॉन्च किया था और भाई वो हर जगह पर फूट रहा था, लोगों के हाथ में फूट रहा था, गाड़ियों में फूट रहा था, बैग्स में फूट रहा था, यहाँ तक कि प्लेन से उसे बैन कर दिया था और सैमसंग को सारे फोन फिर से मंगवाने पड़े थे जिससे उनको $14.3 billion का नुकसान हुआ था। एंड समथिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट सैमसंग कि उन्होंने इस गलती को एक्सेप्ट किया, लॉस को भी एक्सेप्ट किया और वो गलती फिर से नहीं अपनाई। और अगर आज हम सैमसंग को देखें तो डेफिनेटली वो एक रिलायबल ब्रांड और एक बहुत ही अच्छा ब्रांड दिख के आता है। तो क्या OnePlus फिर से रिवाइव कर सकता है? डेफिनेटली हाँ, अगर वो कंटिन्यूसली सही डायरेक्शन पर चलता रहे। लेकिन सिर्फ एक प्रोडक्ट से पूरी ब्रांड इमेज चेंज नहीं होती, उनको कंटिन्यूसली सही डायरेक्शन पर चलते रहना पड़ेगा। एंड इवन आफ्टर दैट दे डू मिस्टेक्स, इट इज कम्प्लीटली फाइन टिल द टाइम दे आर एक्सेप्टिंग दिस। आफ्टर लुकिंग एट OnePlus 12, आई डेफिनेटली थिंक वो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड इफ दे कंटिन्यू टू डू इट आई जेन्युइनली थिंक OnePlus कैन रिवाइव। ये स्टोरी और OnePlus की जर्नी देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आई वाज समबडी जिसको OnePlus 1 से लेके OnePlus 7 तक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी दिक्कत आ चुकी है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ OnePlus गोज फ्रॉम हियर। आपके OnePlus का एक्सपीरियंस या स्टोरी कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।